स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल पे। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आपको कोई बॉन्ड कैंसिल करने के लिए लगते हैं या बीजी जो आपने सबमिट किया हुआ है ईपीडीसी लाइसेंस के अगेंस्ट में, वो अगर आपको वापस लेनी है या कैंसिल करनी है, तो उसमें जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं वो कौन से होते हैं। ठीक है दोस्तों, नंबर वन, ओरिजिनल ईओडीसी या रिडेम्पशन लेटर, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या फिर रिडेम्पशन लेटर। दोस्तों आप कोई भी जब सीए को काम देते हैं अपना, तो वो आपको ये करके देता है रिडेम्पशन लेटर। ठीक है दोस्तों, डीजीएफटी में जाके जो भी डॉक्यूमेंटेशन है सबमिट करके वो लेटर आपको ये बना के देता है दोस्तों। ANF-5B duly certified by chartered accountant, दोस्तों ये भी आपको सीए देता है। ठीक है दोस्तों, कॉपी ऑफ इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय चार्टर्ड इंजीनियर सेंट्रल एक्साइज जीएसटी अथॉरिटीज। जब भी आप दोस्तों कोई मोटर वगैरह या जो आप इंपोर्ट करते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं उसको, तभी आपको विद इन 2 to 3 months में इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तो वो इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट जो आपको सीए देता है, वो भी आपको कस्टम्स में देना पड़ता है जब आप ईपीडीसी लाइसेंस क्लोज करते हैं और बैंक गारंटी आपको वापस लेना है तभी। ठीक है दोस्तों, ओरिजिनल ईपीडीसी लाइसेंस, जो आपको ओरिजिनल ईपीडीसी लाइसेंस मिलता है दोस्तों, हो सकता है आपने ये सीए को दिया हुआ हो ताकि आपको रिडेम्पशन लेटर मिले, तो वो आपको स्पीड पोस्ट से बेस्ट है डीडीएफटी से। ये डीडीएफटी से आपको स्पीड पोस्ट से आता है, फिर आपको ये सबमिट करना पड़ता है जो आपके कस्टम्स में जहाँ पे आपने क्लियर किया हुआ है। ओरिजिनल ईपीडीसी लाइसेंस, कॉपी ऑफ एसबी ARE-1 इन केस डीम्ड एक्सपोर्ट्स। दोस्तों शिपिंग बिल्स जो है आपके, अगर आपका डीम्ड एक्सपोर्ट है, एक होता है दोस्तों डायरेक्ट एक्सपोर्ट जो कि कंपनी डायरेक्ट पार्टी को करती है, दूसरा होता है दोस्तों डीम्ड एक्सपोर्ट। डीम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है दोस्तों, ये एक मर्चेंडाइजर रखती है और उसके थ्रू सेल करती है। दो सेल्स होते हैं दोस्तों, डायरेक्ट एक्सपोर्ट्स और डीम्ड एक्सपोर्ट्स। तो इनकेस अगर आपका डीम्ड एक्सपोर्ट है तो आपको शिपिंग बिल की कॉपियां देनी पड़ती है जेरोक्स की उसके साथ में। बैंक रिकंसिलेशन सर्टिफिकेट, दोस्तों जैसे आप एक्सपोर्ट करते जाते हैं तो आपको अपने जहां पे बैंक में आपका पैसा आता है उसमें सब आपको डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने पड़ते हैं, आपका इनवॉइस, आपका पैकिंग लिस्ट, उसके जेरोक्स पे आपको साइन करके स्टैम्प करके देना पड़ता है और एक उनको रिक्वेस्ट लेटर देना पड़ता है कि मुझे बैंक रिकंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट इशू कीजिए। ये पूरे प्रोसेस में दोस्तों 1 महीने तक का टाइम लग जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वो भी जो भी आपने करवाए हैं, जैसे जैसे आपका कंटेनर गया हुआ है, जैसे जैसे आपका बिल गया हुआ है, तो आपने बैंक रिकंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट भी बनाया होगा, वो सारे जो उसमें दायरे में आते हैं आपको देने हैं उनको बैंक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इन केस थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स आर एज पर FTB 2015-20, अगर कोई थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट है दोस्तों तो डॉक्यूमेंटेशन जो होंगे 2015-20 के जो FTP है उसके हिसाब से। अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड टू DGFT, इसके अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन है दोस्तों जो DGFT में सबमिट करने हैं, वो एज रिक्वेस्ट लेटर टू द कस्टम्स। दोस्तों जब भी आप कस्टम्स में काम करवाने हैं आपको, तो आपको एक रिक्वेस्ट लेटर उनको देना पड़ेगा दोस्तों, और अथॉरिटी लेटर टू CHA, और जो क्लियरिंग एजेंट है आपका उसको एक अथॉरिटी लेटर देना पड़ेगा कि आप हमारे बिहाफ में काम करिए और हमें ये सब बैंक गारंटी छुड़वा के दे दीजिए और बॉन्ड कैंसिल करवा के दे दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप तक पहुंचा सकूं। ये डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। थैंक यू।